ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है मैं के स्नैकी ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हो ये वाला आउटफिट पहना हुआ है। दाढ़ी बिल्कुल क्लीन करवा ली है देखो हम लोगों ने। सेविंग हो ठीक गई है, इनकी। हम लोगों ने नहीं मतलब कि मैंने सिर्फ। हाँ ठीक है, नहीं, मुझे थोड़ी आती और है। महक ने ये वाली साड़ी पहनी हुई है, तो कैसी लग रही है प्रॉपर ये वाली साड़ी महक के ऊपर? मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ब्लू कलर इसके ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है। ठीक है महक, क्या वो पर्दे में से काट के पहन लिया था क्या? सेम कलर लग रहा है सच में गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताना। लाइट कलर है और देखो सेम लग फोन। रहा है। तो गाइस अभी बात करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली है। ठीक है, तो अंकल को हम लोगों ने बोल दिया था कि आज तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। ठीक है, फिर जैसा भी होगा। ठीक है, प्लान रिवील नहीं कर रहे हैं गाइस हम लोग कब जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता जो है ना वो इस तरह की है कि आप लोगों ने पहले ही बता दिया आप किस टाइम से जा रहे हो, तो कोई आप लोगों के ऊपर निगरानी रख सकता है, तो इसलिए पहले से रिवील नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि कब जाना है, कब क्या बुलाया है। और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए कि हम लोगों ने उनको एक चीज़ बोल दी है, आप कहाँ पर आना है आपको, वो भी हम लोगों ने बता दिया उनको। इस बार वो बोल रहे थे कि आपको घर ही आ जाओ। ठीक है, हम लोगों ने लेकिन उनको यूँ बोल दिया कि भाई अंकल हम घर नहीं आ रहे हैं, एक काम करो ना, पास में ये चीज़ है तो आप यहाँ आ जाओ। मतलब कि हम लोगों ने उनको बता दिया कि आप इस लोकेशन पर आ सकते हो। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने चूज़ करी है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है रहेगा हम लोगों के लिए। तो अभी मम्मी से चल के परमिशन लेते हैं सबसे पहले, फिर पापा से परमिशन लेंगे। मम्मी इधर आओ। ठीक है ना, नहीं वो आप ही बोलो क्योंकि फिर मम्मी डांट लगा देंगी। आए किधर, ये सूटर वूटर क्यों पहन लेते हो अभी से यार? इतनी ठंड आ गई क्या अभी से? इतनी ठंड लग रही मेरे को। है, हाँ बैठो। क्या एक चीज पूछनी है आपसे। क्या पूछ, मैं पूछ, आप पूछो, अरे पूछो ना, आप पूछो ना, अरे पूछो पूछो आप पूछो तुम, पूछो ना। अरे यार पूछो पूछो, खेलते रहोगे क्या? तब मम्मी वो अंकल आए थे ना उस दिन घर पे, हाँ, 4-5 दिन पहले, हाँ, तो उनका फोन आया था मेरे पास में। तो ऐसा बोल रहे थे कि महक के मायके वालों की तरफ से कुछ बात करनी है तेरे से, तो तू घर आ जा, ऐसा बोल रहे थे। घर बुला रहे घर हो? बुला रहे हैं महक को भी साथ में, मेरे को हाँ, और मतलब महक को, दोनों को दोनों को। बुलाए, दोनों आना, बिटिया को लेकर आना, कुछ बात करनी है तुम्हारे से, दोनों से। तो मैंने बोला क्या बात करनी है, इनने बोला क्या बात करनी है, फोन पे कर लो। तो फिर आना, बच्ची को लेकर आना है तो आना। फिर इन्होंने बात करी, आगे क्या करी? मैंने बोला उनको कि क्या बात है, मेरे को फोन पे बता दो ना, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ऐसा करके बोला था कि नहीं यहीं पे बात करेंगे अच्छे से, तो उनको भी लेके आ जाना। ठीक है, भाभी अभी भी मिलने का बोल रहे हैं तो मिल लेंगे वो भी, ऐसा बोल रहे थे वो। ऐसे कैसे भेज दूँ इधर को, ये बता। अरे तो इवन कोई दिक्कत नहीं है ना, उस दिन अपने घर पे भी आए थे, तो अच्छे आए तरीके से थे वो तो आपने बात पापा के करी, दोस्त ही है, पापा की पहचान के ये पापा साथ पड़े हैं, वो तो सभी है। फिर फिर देख लेना भैया, मेरे को तो पहले ही, मैं तो डरती हूँ ये हर चीजों से। क्या अरे इतना क्या डरना, एक काम करो आप भी चलो साथ में, क्यों नहीं, मैं नहीं जा सकती, है? क्या मैं नहीं दिक्कत जाऊँ है, वहाँ। चल चलो आप भी साथ में, महक का सपोर्ट करना महक के साथ में। तो क्या करना चाहिए आप बताओ फिर, क्योंकि देख लो तो जैसा भी जमे वैसा कर लेना फिर। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम दोनों अकेले जाएं या फिर किसी को लेके जाएं, क्या करना चाहिए? हाँ तो दोनों साथ में जा ही रहे हैं, तो किसी और को नहीं जाए साथ में, ऐसा सोच रहे हैं। बड़े को किसी को कोई नहीं, ऐसा कोई समझदार दिक्कत नहीं, वैसे मैं पहले भी उनके घर पे गया ऐसे हुआ कोई हूँ। डर वाली ठीक बात है, नहीं, जो वो भी और रहते हैं फिर मतलब चले जाओ तो दोनों चले हाँ पहले जाओ। भी घर पे गए हूँ, डर वाली बात तो कोई है हाँ नहीं, नहीं है, लेकिन सब मैं सोच सच रहा हूँ बोल। अब आपने बहुत सारे माइंड में देखो सवाल से आते हैं हम। ठीक है, ऐसे सडनली ऐसे बोला था है कोई भी, तो एक क्वेश्चन आया तो मैंने भी सोचा कि उनको वहाँ बुलाने से अच्छा है कि यहाँ पे बुला ले तो कैसा क्या, अपने घर, अपने घर नहीं कहीं पे भी बुला सकते हैं, मतलब दूसरी जगह पे अपने हाँ हिसाब से अपने हिसाब देख से। देख लो। अब वो उनके घर से मिलना चाह रहा है तो फिर अब उसके बीच अब में क्या देखो बचे। देखो मतलब मेरा कहना यूँ है कि वो एक बार तो अपने घर तो आ गए। ठीक है, हाँ। वापस से रिपीट बुलाएंगे उनको कि आप घर ही अच्छा आ जाओ तो अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। वो देखो डर उनकी भी भी, इमेज है यार, वो भी अच्छे प्रॉपर्टी हाँ वोपर्टी का काम करते हैं, तो हाँ फिर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे एकदम से उनको और बुलाएंगे। वो भी ऐसा नहीं जैसे कि कोई और उसके रिलेशन के, वो हिंदू ही है तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो क्या उसमें मम्मी हाँ आप मतलब कि कोई इनके कुछ बात है ऐसी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला मेरे को कि ये महक के घर वालों की तरफ से कुछ बात करनी है तो तू आ जा, बस इतना बोला उन्होंने, और बस बाकी बात नहीं हुई। फिर कल रात को उनको फ़ोन लगाया था मैंने उनको, तो कल रात को फ़ोन लगा के इतना बोला कि मैंने कि मैं अभी तो नहीं आ सकता, मैं जैसा भी होगा मतलब आऊँगा तो आपको बता दूँगा। मतलब मैंने उनको डेट वेट बता दी, अब वो यहाँ वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं किसी को भी, नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों का क्या माइंड सेट है पता नहीं है ना यार। जाएंगे जाकर, उनसे जो भी बात करनी है उनको वो कर लेंगे, मिलके हम हो जाएंगे एक डेढ़ हाँ घंटे चले में, जाना तो है ना? पापा क्या बोलेंगे, पापा तो मना ही कर देंगे नहीं करेंगे, पापा नहीं करेंगे। है? नहीं करेंगे,
आप ऐसे पापा जानते हैं अच्छी तरीके से, उनके दोस्त भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ऐसी। पापा एक साथ तो मेन, चलो वो जाने का कोई प्रॉब्लम है, चले जाएंगे, और ऐसा कोई रिस्क का भी डर नहीं, लेकिन सबसे मेन तो ये है कि बात क्या होगी मेरे मायके वालों को लेकर, मतलब क्या बात करनी उनको, कुछ हो तो नहीं क्या, मुझे थोड़ा डर भी बना हुआ है और खुशी भी हो एक बात। देखो अगर कुछ बात होती तो शायद फोन पे बता देते, लेकिन कुछ होगा ऐसा कुछ बात होगी, देखो कुछ अगर इमरजेंसी वाली बात होती ना गाइस तो हैंड टू हैंड बुलाते वो, ठीक है, क्योंकि नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, इमरजेंसी हो गई है, ऐसा कुछ होता तो फोन पे बता देते, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी वो भी पता नहीं। और मेरे मतलब मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वीडियोस को लेकर कुछ तो नहीं बोल रहे, बोलना होगा फैमिली वालों को, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, इसीलिए ये भी हो सकता है। हाँ तो देख लेना जैसा भी हो वैसा नहीं। हाँ देखते हैं अब जो भी होगा, आई होप सब अच्छा हो, भगवान है साथ में। और ठीक है ऐसा कर लेते हैं आप, मैं सोच रहा हूँ कि पापा से कि बोले कि नहीं बोले कि क्या करना चाहिए, फिर पापा को अगर नहीं बोलेंगे तो फिर पापा से पहले जैसे चिढ़ेंगे जैसे पहले उस टाइम। हाँ नहीं चिढ़ेंगे उस टाइम, देखो वो मेटा कुछ मेटा पड़ा था उस टाइम भी, तो उधर के साइड चले गए थे पापा, तो इसलिए उनका वो हक था गुस्सा करने का, लेकिन अब ऐसी बात नहीं, तो मैं मम्मी हम बात कर लेंगे, आप मत करना, हम कर लेंगे, पूछ लूंगी पापा हम जा रहे हैं, वो अंकल आए थे ना घर पे, तो वो कुछ मनाही नहीं करेंगे, चले जाओ। हाँ चले जाना, देख लेना जैसा भी हो वैसा, ठीक है। तो मैं ही बोल रहा था कुछ लेके जाए, क्या करें, कुछ सामान वामान, कुछ बच्चे है क्या? हाँ बच्चे तो है ना, दो बच्चे मिठाई ले, लड़के हैं, मिठाई ले जाना, मिठाई हाँ मिठाई ले चलेंगे, और कुछ बुके वगैरह कुछ भी ले, बुके उके तो नहीं जरूरत है, मिठाई ले जाना, मतलब कुछ गिफ्ट ले लेंगे आपके बच्चों के लिए, बुके की तो जरूरत नहीं है, बुके शादी थोड़ी है। हाँ शादी नहीं है लेकिन गिफ्ट ले लेंगे, मेरा मतलब ये हूँ बुके तो किसी दिन तुम्हारे घर जाएंगे उस दिन लेंगे बुके, ठीक है। अभी देखते हैं वहाँ चल के पता चलेगा, हो सकता है तुम्हारे घर पे जाने का कुछ हो सीन, के वो बोल रहे होंगे इस दिन तुम्हारे घर पे जाना है क्यों हमें ऐसा तो नहीं है क्यों? हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी हो भी ऐसा तो मेरे तो मेरा पैर जमीन पे नहीं टिके, मैं उड़ू हवा में, फिर मेरे जमीन में टिके ही नहीं, क्योंकि फिर खुशी मतलब इतनी खुशी हो जाए कि पेरेंट्स ने बुलाया घर जाना है, तो वो अलग ही बात होती है, और वहाँ ले जाने की बात है तो सही बोल रहा हूँ, शादी वगैरह नहीं है तो मैं सोच लूंगी वहाँ ले जाने के लिए कुछ गिफ्ट रखूँगी। चलो जो भी होगा प्लान वो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, क्या ले जा रहे हैं, क्या खरीदारी होगी, सब चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मम्मी ने तो चलो ठीक है, मम्मी का तो लग ही रहा था कि मम्मी परमिशन दे देंगे, ठीक है, लेकिन अभी पापा का डाउट है थोड़ा सा, पापा परमिशन इनको देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मैं पापा से बात नहीं करने वाला हूँ, मैं एक और मम्मी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं करूँगा तो वो फिर 10 सवाल 10 बातें बताएंगे। हाँ मतलब पापा ने ये जब बात करते ना तो इनकी थोड़ा सा बात अलग ही चलती है, वो लंबी लंबी चलती है, ये ऐसा वैसा, लेकिन पापा उस टाइम गुस्सा करना ठीक है, लेकिन वो मुझे लगता है कि 100% लगता है कि वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि घर आ गए इंसान और पापा से मिल लिए, पापा के फ्रेंड भी निकल गए, तो उससे बड़ी बात क्या है। अब गाइस उस दिन क्या हुआ कि अब हम लोग को देखो वो यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पे इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे उस दिन वो, ठीक है, अब सेब रखी हुई है, ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मम्मी यहाँ पे बैठे हुए थे, पापा भी यहीं पे बैठे थे, तीनों यहाँ बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे उस दिन, तो बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने महक से को लेके भी कि महक कैसी है, कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ पे, और साड़ी में तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और महक को इतना तक बोला कि मैं तेरे घर पे भी आता था, तेरे को याद होगा शायद उस टाइम वो चिकन वगैरह खाने के लिए ऐसा कुछ बोला, कोई कोई खाता देखो सब, तो हम पापा है ना, जैसे कि वो बकरा ईद आती थी ना तो जो खाते थे ना तो उनके फ्रेंड वगैरह तो सबको भी इनवाइट करते थे, और सब आते भी थे तो वो मिलते भी थे, वो सारा ईदी भी बहुत अच्छी मिलती थी उनसे। एक अंकल आए थे ना, उनका नाम आप पहचानते हो उनको, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, वो उनके भी फ्रेंड है, मतलब वो सब एक ही रिलेटिव में, वो जब आए थे ना तो उन्होंने मुझे 500 रुपीज दिए थे, मुझे सिर्फ अकेली को, बाकी मेरे सिस्टर को और मेरे भाई को लग दिए थे। तो इसीलिए देखो महक का तो बोलबाला पहले से ही रहा है गाइस, चाहे वो यहाँ पे रहे या फिर अपने घर पे रहे, तो आज भी उसको इतना ही प्यार करते हैं, वो अंकल भी उस दिन आए थे ना तो उनकी बातों से बहुत अच्छा लगा, मतलब कभी भी उन्होंने गलत भावना नहीं रखी, और उनके साथ ही मैं एक घंटे के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने के लिए भी गए थे उसी दिन की बात है, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये घर पे आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को कि यार कुछ गलत सोच है, क्योंकि एक घंटे तक हम लोग प्रॉपर्टी देखने के लिए गए और फिर उसके बाद में वापस घर पे आए, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार कुछ गलत सोच है उनकी ऐसा, क्यों? बहुत अच्छी सोच है, और बात भी इतने तरीके से करी ना मुझसे, मुझसे एक बात ये बोली थी, बेटा तूने जो करा है ना बढ़िया करा, कोई बात नहीं, तो खुश है ना,
उससे बड़ी कुछ नहीं, मैं इसीलिए आज इस मतलब यहाँ पर घर पर मैं इसीलिए आया हूँ। हाँ मैं पहले मतलब इनसे मिलते थे, हम लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे, मिलते थे तो इससे हमारा घर आना जाना नहीं था, इतना मतलब घर आना नहीं जाना था, बाहर ही मिलने थे। लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं तुझे देखने आया हूँ कि तू खुश है या नहीं। हाँ। तो डाउट रहता है ना मन में कि देखो वीडियो गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि वीडियो के अंदर तो सब कुछ चीजें अच्छी लगती सभी को यार, कि यार वीडियो में अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो पर्सनली मिलता है ना, जो पर्सनली हम लोगों को देखता है, उन लोगों को और ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम लोग बात करें अभी, जैसे बहुत टाइम पहले 2 महीने हुए शायद, 2 महीने पहले उड़ीसा वाले अंकल आए थे हम लोगों से मिलने, अंकल आंटी, ठीक है। तो उन लोगों को भी जब पर्सनली हम लोगों से मिले ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि तुम वीडियो से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगते हो साथ में। वीडियो में जैसे दिखते हो तो चलो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब पास से देखा ना आपको और सबसे मिले और आपको सबका नेचर देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा, ऐसा उन्होंने बोला था। देखो मैं मेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला था ऐसा दिल से, तो मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी। अब चलो ठीक है, पापा से परमिशन लेंगे और इसके बाद में जैसा भी प्लान होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग क्या लेके जाना चाहिए और ये सेफ है या नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो हिंदू संगठन वाले हैं यहाँ पे, पहचान वाले हैं थोड़े से, तो उनको भी कॉन्टैक्ट करके हम लोग रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो है विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।